गुजरात अहमदाबाद इंडिया ही नहीं दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। और आज मैं आई हूँ अहमदाबाद के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग प्लेस को एक्सप्लोर करने, जिसका नाम है साइंस सिटी। सबसे पहले हम यहाँ पर टिकट काउंटर के पास आ गए, जहाँ के सारे रेट्स मेंशन किए हुए थे। यहाँ पे कैश पेमेंट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होता, ओनली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। सेपरेट टिकट लेने के बजाय आप कॉम्बो ऑफर भी ले सकते हैं यहाँ पर। एंड हमने ऑप्ट किया 499 वाला कॉम्बो, बिकॉज अगर यहाँ आए हैं तो डेफिनेटली हम पूरी साइंस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। यह साइंस सिटी अहमदाबाद के हेबतपुर में लोकेटेड है, जहाँ पर कि आप ऑटो या फिर कैब बुक करके आ सकते हैं। एंट्री के साथ ही सबसे पहले आपको ये साइन बोर्ड दिखेगा, दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल पीएस ऑन कैमरा। आज मैं हूँ अहमदाबाद सिटी में, जो कि गुजरात में आता है। एंड यहाँ एक बहुत ही फेमस साइंस सिटी ओपन हुआ है, जो कि पूरे 107 एकड़ में बना हुआ है ये। एंड गवर्नमेंट ने खास करके इस बात को ध्यान में रख के बनाया है कि गुजरात के लोग, चाहे जो भी आउटसाइड से लोग आ रहे हैं, उनको साइंस के प्रति इंटरेस्ट जगा सके, नॉलेज मिले और साथ साथ फन एक्टिविटी भी मिले। सो अभी अंदर चलते हैं, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है यहाँ देखने को और वो हम लोग देखेंगे। लेट्स गो। इलेक्ट्रिक व्हीकल घूमने के लिए कोई भी ले सकते हैं, इसके क्या चार्जेस हैं? 100% बिकने वाला भी है। सो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिखा। साथ में छोटे बच्चे हैं या थोड़े बुजुर्ग लोग हैं साथ में, तो फिर ये ऑप्शन बेटर है कि वो परेशान ना हो एंड आराम से पूरे साइंस सिटी को घूम सके। क्योंकि कई बार होता है ज़्यादा चल नहीं पाते बच्चे, खास करके गिन्नी के साथ, तो मैं तो ये ऑप्शन ले रही हूँ। और सबसे अच्छी बात उन्होंने बताई कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो जो जो पॉइंट है पूरा कवर करवाएंगे। जहाँ पर आपको एक घंटा रुकना है, दो घंटा रुकना है, कोई टेंशन नहीं है। तो इट्स अ गुड ऑप्शन मेरे हिसाब से। इसके लिए भी टिकट ले ली होती है, जो कि एंट्री के बाद टिकट लेना है। और वहाँ अभिजीत टिकट ले रहे हैं। ये हमारी राइड स्टार्ट हो गई। गिनी मज़ा आ रहा है? गिनी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी इससे बैठने के लिए। और एक्चुअली इसके लिए ही हमने ये ऑप्ट किया, अदरवाइज़ यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है कि आपको वैसे भी वॉक करके घूमना अच्छा लगेगा यहाँ पे। हम लोग पहुंच गए हॉल ऑफ स्पेस, हॉल ऑफ साइंस। नाउ वी आर एंटरिंग इन हॉल ऑफ स्पेस, जो कि हमें एंट्री के साथ ही बहुत एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग दिख रहा था। यहाँ पे हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले किया गया है विद हाई रिजोल्यूशन पिक्चर्स एंड ऑल। इवन हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान ने जो भी सफलताएं हासिल की है, उन सभी का एक्सप्लेनेशन बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। यहाँ हाई रिजोल्यूशन पिक्चर्स के थ्रू बहुत कुछ दर्शाया गया है, जैसे कि लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, लाइफ साइकिल ऑफ गैलेक्सी, जो कि आपको देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हॉल ऑफ स्पेस इज मिशन टू मार्स, जो कि 2D राइड है एंड वो हमारे 499 कॉम्बो टिकट में इंक्लूडेड था। ये हम जा रहे हैं मिशन ऑफ मार्स राइड पे। के लिए हम शुक्र की परिक्रमा करेंगे और सीधे बृहस्पति की तरफ उड़ान भरेंगे। दोस्तों, हम लाल ग्रह के करीब से गुजर रहे हैं। यह है मंगल, जहां हम वापसी के सफर में उतरेंगे। इस महान मिशन का हिस्सा। सो अभी हमारा स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह पर लैंड कर चुका है एंड हमें सच में ऐसे फीलिंग आ रही थी कि हम मार्स पे पहुंच चुके हैं।
की मिट्टी है नीचे। इस प्लेस को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ फ़ोटो पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं, सो आप भी यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाना मत भूलना। अब हम आगे बढ़ते हैं हॉल ऑफ साइंस की ओर, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिलेगी, जो भी इन्वेंशंस हैं उसके फैक्ट्स वगैरह आप खुद से एक्सपीरियंस कर पाओगे। बाजू में रोबोटिक और प्लेनेट तीनों देखे, फिर मेरे को कॉल करना, सामने कैफे है देख लो। ओके। और सामने तुमको नाश्ता करना के सभी मिल जाएगा, उतर जाओ। सही है। अभी दोपहर के 1 बज गए और हमें ये बात पता चली कि 1 से 2 बजे तक यहाँ पे लंच टाइम होता है, तो बहुत मतलब कुछ कुछ राइड्स होती है जो बंद होती हैं, तो इसलिए हमने वो ऑप्शन ऑप्ट किया है जहाँ पे कि सब कुछ ओपन है। अभी हम जाएंगे एक्वेटिक गैलरी देखने, जहाँ पे कि बहुत सारे फिशेस की कलेक्शन है, वैरायटी है, बहुत बड़ा एक्वेरियम है। अभी अंदर चल के देखते हैं और मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी। अभी हमने सिर्फ एक सेक्शन को एक्सप्लोर किया एंड वी रियलाइज्ड कि हमने जो ई रिक्शा वाला ऑप्शन ऑप्ट किया, दैट वाज अ गुड डिसीजन, बिकॉज जो एनर्जी और स्टेमिना हम बाहर सेव कर रहे हैं वो हम अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हर जगह बहुत कुछ है देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम एंटर कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े एक्वेटिक गैलरी में, जहाँ पे कि आप वैरायटी ऑफ फिशेस को देख पाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे शार्क टनल भी है, जो कि मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया एंड आई एंजॉयड अ लॉट।
अब हम एक्वेटिक गैलरी के फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, जहाँ पे कि हमें पता चला पेंगुइन्स हैं, तो स्पेशली हम उसको देखने जा रहे हैं। एंड यहाँ ऊपर में ये टच पूल भी है, जिसके अंदर बहुत सारी फिशेस भी रखी हुई हैं। Now it's 2:30 and लगभग डेढ़ घंटे में हमने पूरा एक्वेटिक गैलरी एक्सप्लोर किया। यहाँ पे फिशेस की बहुत सारे स्पेसीज हैं, यू शुड डेफिनेटली कम हेयर टू सी दोज। ऑन द सेम फ्लोर ये कैफेटेरिया बना हुआ है एंड नाउ इट्स लंच टाइम, सो हम चलकर देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं खाने के लिए। एज इट्स नेम इज टी पोस्ट, तो यहाँ पे कुछ हैवी लंच आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे अवेलेबल थे मैगी, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल, कोल्ड कॉफ़ी, टी, हॉट कॉफ़ी, ये सब कुछ भी अवेलेबल है यहाँ पे। अब हम लोग एक्वेटिक गैलरी से एग्जिट ले रहे हैं एंड भूख लगाई है, सो इट्स टाइम फॉर लंच एंड अभी चलते हैं लंच के लिए। यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, इधर अंदर भी एक कैफ़े था, बाहर भी है, तो हम बाहर वाले कैफ़े को ऑप्ट कर रहे हैं, हम लोग उधर ही जा रहे हैं खाना खाने। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो खा पी के थोड़ी सी एनर्जी लेके अब हम लोग प्लैनेट अर्थ देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा सा प्लैनेट अर्थ काइंड ऑफ बना हुआ है बाहर से। अंदर जाकर देखेंगे कि क्या है। किसी ने बताया कि अंदर 4D कोल माइन अर्थ को एक कभी कुछ प्रोग्राम है, तो वो भी देखना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है, ऐसा सब सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी हम लोग वो भी देखेंगे। सो लेट्स गो। और ये जो साइकिल्स आपको यहाँ पे दिख रही है, ये सब रेंट पे मिलती है यहाँ पे, ये पूरा साइंस सिटी घूमने के लिए, सो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर गिन्नी हमारे साथ नहीं होती तो डेफिनेटली हम भी ये ऑप्शन ही लेते। यहाँ पे जो मैंने कोल माइन अर्थक्वेक का बताया वो उस तरफ है एंड 4D नीचे है शो, वो हम लोग नीचे देखने जाएंगे, पहले यहाँ ऊपर का पूरा घूम लेंगे। इस प्लैनेट अर्थ को साइंस सिटी में बनाने के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आम जनता को हमारे ग्रह के आश्चर्यजनक भव्यता के प्रति जागरूक करना एंड इसके इम्पोर्टेंस को बढ़ावा देना। यहाँ पे तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, 4D शो, अर्थक्वेक एंड माइनिंग, जो कि तीनों हमारे कॉम्बो पैक के साथ इंक्लूडेड था। सो सबसे पहले हम यहाँ पे आए हैं 4D शो देखने के लिए, दैट वाज ऑसम, हमें देख के बहुत अच्छा लगा। इवन किड्स विल आल्सो एंजॉय बिकॉज गिनी एंजॉयड अ लॉट। 4D शो देखने के बाद हम जा रहे हैं अर्थक्वेक को फील करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर अर्थक्वेक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एज अ मूवी दिखाई जाएगी एंड हम उसको फील भी कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए, जहाँ जाओ वही अच्छा लगता है एंड अभी तो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस की। कोल माइन में अभी जाने वाले हैं। घूमकर आ रहे हैं, उससे पहले हमने एक्वेटिक गैलरी देखी, मिशन टू मंगल देखा एंड अभी जा रहे हैं सबसे मतलब एक्साइटिंग वो पार्ट में, जो कि रोबोटिक गैलरी है। बहुत सारे रोबोट्स हैं वहाँ पे, बहुत मज़ा आने वाला है। सो चलते हैं।
क्या गिन्नी, रोबोट से मजा आएगा ना? गिन्नी को सबसे ज्यादा मजा आया पेंगुइन के साथ खेलने में। क्लिप मैंने ऐड किया हुआ है, आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और पता नहीं क्यों पेंगुइन भी जहाँ पे गिन्नी अपना हैंड रख रही थी वो आके उसके साथ खेले जा रही थी, है ना। यहाँ पे आप VR शो को एंजॉय कर सकते हैं जो कि हमारे 499 वाले कॉम्बो टिकट में इंक्लूडेड था। बट अगर आपने कॉम्बो नहीं भी लिया है तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं, इस राइड को एंजॉय कर सकते हैं। VR शो इज नॉट अलाउड फॉर किड्स, दे कैन ओनली सिट हियर। दैट्स व्हाई गिन्नी ने बस सामने स्क्रीन को देख कर एंजॉय किया। गैलरी हम लोगों को बहुत मज़ा आया, यहाँ पे जो VR शो दिखाया उसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और डर भी लगा। एंड अभी हम लोग रोबोट्स का डांस देखेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट रोबोट जो मुझे दिखा वो झाड़ू पोछा वाला, मुझे बहुत पसंद आया है। वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल भी है तो मैं तो अभिजीत को कहने वाली हूँ एक परचेज करने के लिए। और एक डोसा बनाने वाला भी रोबोट मुझे बहुत पसंद आया जो कि 90 टाइप्स के डोसा बनाता है वो। हाँ, वॉशिंग मशीन वाला 10 मिनट में कपड़े धो के सुखा देता है वो रोबोट, वो भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, वो भी लेना बनता है। अभी चलते हैं डांस देखने। Please join us. रोबो डांस देखने के बाद हम पहुंच गए रोबो कैफे, जहां पे कि हम ऑर्डर प्लेस करेंगे एंड रोबो हमें आके सर्व करेगा। हम लोगों को यहां काउंटर पे आकर ऑर्डर प्लेस करना है एंड एक टोकन नंबर दिया जाएगा, एंड जब हमारा टोकन नंबर आएगा देन रोबो आकर वहां पे ऑर्डर सर्व करेगा। ये है यहाँ का मेन्यू कार्ड जहाँ की आप बर्गर, पिज्ज़ा, सैंडविचेस, चाय, कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। अभी हमने पूरी रोबो गैलरी देख ली एंड पीछे इतना बड़ा रोबोट सबसे सामने पड़ा है यहाँ और हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड हर जगह यहाँ पे आप जहाँ देखोगे वहाँ रोबोट ही दिखेंगे। हमारे भैया भी आके वेट कर रहे हैं। हमेशा तुम यहीं बैठ जाती हो यार। ये है नेचर पार्क जो कि बहुत खूबसूरत है, अभी यहाँ भी हमें जाना है। एंटरिंग इन नेचर्स पार्क जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्शन है यहाँ का, सो लेट्स गो। बहुत बड़ा है क्या ये? हाँ, इसीलिए बोला कि घूम जाएगी बेटा, टाइम तो बहुत लगेगा यहाँ।
ये है अहमदाबाद साइंस सिटी का नेचर पार्क जो कि बहुत बड़ा है एंड एंट्री के साथ ही आपको बड़ा सा ग्लोब दिखेगा एंड साथ के साथ ये बोर्ड जहाँ की 37 चीज़ें मेंशन की हुई है जो जो इस पार्क में है। तो यहाँ घुसते के साथ गिन्नी का फेवरेट मिल गया चिल्ड्रंस पार्क, तो सबसे पहले हमें यहीं जाना पड़ेगा। आप लोग भी एक लुक ले लो चिल्ड्रन पार्क का। सारी लिस्ट है जिसमें कि पैडल बोट, एक्वा बोट, बॉबिंग बॉल, किड्स हैंड बोट एंड सबके चार्जेस इधर मेंशन हैं, आप लोग देख सकते हो। सो दीज ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल हियर। ये है बटरफ्लाई गार्डन और यहाँ ये भी लिखा है बीवेयर ऑफ स्नेक्स, सो संभाल के जाना। नेचर्स पार्क बहुत बड़ा है सच में, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि ये पूरा घूम पाएँ, बट जहाँ तक पॉसिबल हो रहा है हम जा रहे हैं। इनफैक्ट ये पूरा साइंस सिटी ही, अगर आप आ रहे हो तो समझ लो पूरे दिन के लिए आप बिज़ी हो इस साइंस सिटी में, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ घूमने के लिए और टाइम टेकिंग भी है, तो आराम से पूरा दिन जाएगा आपका। बीच में बस एक घंटे का ब्रेक लेते हैं ये लोग, एक से दो लंच टाइम होता है तो उसमें कुछ कुछ बंद होती है मशीनें, मतलब जो चला के ये लोग दिखाते हैं तो बस वही बंद होता है, अदरवाइज़ आप उस टाइम में एक्वेटिक गैलरी में घूम के अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि हमने भी आज किया। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं भूलभुलैया देखने, जो कि नेचर्स पार्क के अंदर ही है। सो सच में ऐसा लग रहा है भूलभुलैया में घुस गए हैं, हमें रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है। सो अभी हम लोग भूलभुलैया में एंटर कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पौधों का ही भूलभुलैया है, देखते हैं अंदर जाके। एंड यस आई वॉज कम्प्लीटली राइट, बिकॉज यहाँ पे प्लांट्स का ही भूलभुलैया बनाया हुआ था, बट अंधेरा हो गया था दैट्स वाई हमने रिस्क नहीं लिया अंदर जाने का। सो अगर आपको इस भूलभुलैया को एक्सपीरियंस करना है देन डे टाइम इज सेफ। नाउ वी आर प्लानिंग टू टेक एग्जिट फ्रॉम नेचर पार्क, इनफैक्ट फ्रॉम साइंस सिटी, बिकॉज हमने यहाँ पे आज का अपना पूरा दिन स्पेंड किया एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली एंड आप लोगों के साथ शेयर भी किया। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। टिल देन बाय बाय।